हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। नगर पालिका की गंदे तालाब में मिला 8 वर्षीय कार्तिक का शव। खरखुदे की ब्राह्मण मोहल्ले से 4थी कक्षा में पढ़ाई करने वाले 2 दिन से लापता कार्तिक का शव खरखुदा नगर पालिका की गंदे तालाब में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मृतक बच्चे कार्तिक के पिता सोनू का कहना है कि कार्तिक बुद्धि में अपनी उम्र के बच्चों से तेज दिमाग का था, कभी भी अपने घर से दूर नहीं जाता था। जिस दिन वह लापता हुआ उस दिन वह स्कूल नहीं गया था, घर पर ही खेल रहा था। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। नगर पालिका के जिस गंदे तालाब में कार्तिक का शव बरामद हुआ है उस गंदे पानी में न तो पशु आते हैं और न ही कोई नहाता था। उन्हें आशंका है कि उनके लड़के का किसी ने अपहरण करके उसकी हत्या की है। एसीपी जीत सिंह बेनीवाल ने इस मामले में पुलिस जांच टीमें गठित की हुई हैं। जांच के दौरान अभी तक ये सामने आया है कि कार्तिक को एक बार गोलगप्पे की रेहड़ी पर भी देखा गया है, गली से गुजरते हुए भी देखा गया है। इसके अलावा शहर के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी जांचे गए हैं ताकि इस मामले में कोई सुराग लग सके। गली मोहल्ले के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। जिन 2 लड़कों के साथ लापता वाले दिन खेलता हुआ दिखाई दिया था उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। थाना प्रभारी अंकित कुमार का कहना है कि इस बारे में सभी पुलिस टीमें जांच में जुटी हुई हैं। तालाब के आसपास जांच की जा रही है। अभी तक लापता लड़की के कपड़े भी नहीं मिले हैं। घेर में गई महिला ने देखा शव। पड़ोस की एक महिला नगरपालिका के इस गंदे पानी के तालाब के आसपास अपने पशुओं को देखने के लिए गई थी। उसे तालाब में यह शव दिखाई दिया जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव को बाहर निकाला गया तो कार्तिक का शव होने की पुष्टि हुई। जानलेवा साबित हो रहा नगर पालिका का यह तालाब। करीब 3.5 करोड़ रुपए की राशि से जोहर सौंदर्यकरण का कार्य किया जाना था, लेकिन नगर पालिका के ठेकेदारों ने इस तालाब को गंदगी का तालाब बना दिया। इसकी 4 दीवारी भी अधूरी छोड़ दी। भाजपा नेता राजेंद्र सैनी का कहना है कि इस मामले में नगर पालिका पर कार्यवाही की जानी चाहिए और नगर पालिका इसके सौंदर्यकरण में सफल नहीं हो रही है तो इसे मिट्टी भरकर इसे पार्क में तब्दील किया जाए, क्योंकि इस तालाब में कई पशु भी डूब चुके हैं। नगर पालिका ने नालों का पानी इस तालाब में छोड़ा हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई, जो तालाब बना था ना, ये तालाब था पार्क का सौंदर्यकरण, तालाब का सौंदर्यकरण, परंतु ये बिल्कुल गंदा पानी छोड़ दिया। इसमें कई पशु डूबे रहे, कदे खागर डूबे रहे। आज ये प्रेम नाई का पोता इसमें डूब कमरे, कई औरतें भी कई इसमें पड़ी हैं, निकाल दी हैं। बड़ी दिक्कत है इसमें, तो मेरे हिसाब से इसको बंद कर देना चाहिए। नगर पालिका की जी सारी नगर, ये कितने रुपए इस पे खर्च हुए हैं, आप आगे क्या कार्रवाई करोगे? मेरे हिसाब से इसमें 1.5 करोड़ रुपया तालाब में लग रहा है। अब आगे आप कहाँ शिकायत करोगे? शिकायत तो क्या करना, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस तालाब को बंद करके बढ़िया पार्क बनाया जाए। SDM से मिलेंगे, हम इसके बारे में कहेंगे। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।